नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं आपका दोस्त राकेश मुदलिया, मोटिवेशनल स्पीकर, MLM कोच और बिजनेस ट्रेनर। तो दोस्तों, बहुत लोगों का मुझे कॉल आ रहे थे कि सर कुछ ऐसे वीडियो बनाइए जिसमें हम जो है अपना खुद का बैनर बना सके, हम खुद के नंबर वहां पर डाल सके, हम खुद की फोटो लगा सके और हम अपना खुद का एक बैनर बना के जो है अपने बिजनेस को प्रमोट करें। तो दोस्तों, आप लोगों की फरमाइश में मैं आज का वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बैनर बना सकते हैं, किस तरीके से आप फोटो को कट कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है फोटो में अपना नंबर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी यहाँ पर मेरे दोस्त बने हुए हैं, जितने भी मेरे रेनेटॉक्स फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा, बहुत सारी चीजें आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जितना अनुभव, जितना नॉलेज मैं रखता हूँ, सारे नॉलेज आप लोगों को शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए जितने भी रेनोवियंस है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंचे। और जितने भी रेनिवर्स बने हुए उनके वो मेरा रॉकिंग रेनेटस। और दोस्तों, अभी रॉकिंग जो है रॉकेट बन चुका है, रॉकेट की तरह भागना चालू कर चुका है, इसलिए अब रॉकिंग की जगह मैं बोलूंगा रॉकेट रेनेटस। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ जो आज का टॉपिक है डिजिटल प्रमोशन का। मैं चलता हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन में, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन में और आपको जो है हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपना प्रोफेशनल बैनर जो है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए किस तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आपको एक अच्छा बैनर बनाने के लिए तीन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है दोस्तों ऑटो कट, ऑटो फोटो कस्ट पेस्ट, और दूसरा जो एप्लीकेशन वो है दोस्तों पिक्सलैब, और तीसरा जो है दोस्तों वो है क्रोम। अब ये दो एप्लीकेशन को जो है फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और क्रोम ब्राउज़र जो है ये सभी के मोबाइल पे होता है, तो इसको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं अच्छा बैनर बनाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र पर जो है क्लिक रेनेटस टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑल इमेज न्यूज़ वीडियोज़ मैप्स। तो हमको जो है यहाँ पर इमेज पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से जो पूरी इमेज जो है रेनेटस नोवा की निकल करके जो है आ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स हमको यहाँ से जो है रेनेटस रिलेटेड कोई भी एक पिक को जो है सेलेक्ट कर लेना। मुझे ये पिक अच्छी लग रही है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है वापस, उसके बाद आपको इसमें सर्च मारना है। एक अच्छा बैकग्राउंड के लिए आपको एक बैकग्राउंड इमेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको टाइप करके जो है बैकग्राउंड इमेज भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड कर ले दोस्तों, ये बैकग्राउंड है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इस इमेज को। इसको डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको जाना है बैक, और बैक में जाने के बाद हमको दूसरे एप्लीकेशन को ओपन करना है, इसका नाम है ऑटो फोटो कट पेस्ट। इसको हमको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों हम उस जो हम जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे ऑटो फोटो कट पेस्ट को, तो इस तरीके के जो है इंटरफेस जो है आपके सामने आएगा। उसके बाद आपको कट फोटो में जाना है। कट फोटो में जाने के बाद यहाँ पर बीच में ऑप्शन है गैलरी का, गैलरी को सेलेक्ट करना है, और जो हमने डाउनलोड किया था उसको हमको जो है उस बॉटल को जो है हमको डाउनलोड कर लेना है, इसमें अपलोड कर देना है। तो ये देखिए, मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ से हम एक बॉटल को जो है कटआउट करेंगे, उसके बैकग्राउंड को हटाएंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें राइट साइड में टॉप में आपको राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको आपको क्लिक करना है, तो फोटो क्रॉप होकर जो है यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है नीचे में ऑटो का, तो ऑटो की इसमें आपको क्लिक करना है, इसको ड्रैग करना है, तो ऐसा वाइटनेस जो है यहाँ से जितना भी वाइट बैकग्राउंड है वो पूरा हट गया। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है बॉटल का भी कुछ चीज़ इरेज हो गया है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रीस्टोर का, तो रीस्टोर के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और इसको जो है अच्छी तरीके से जो है दोस्तों रीस्टोर कर लेना है। रीस्टोर करने के बाद देखिए, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है इसको स्मूथली सॉफ्ट हैंड से जो है आपको इसको रीस्टोर कर लेना है अच्छी तरीके से। रिस्टोर करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पर राइट ऑफ राइट में क्लिक करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ छूट गया है, मैं इसको भी जो है मैन्युअली जो है इसको मैन्युअली भी हम इरेज कर सकते हैं। मैं इसको मैन्युअली इरेज कर लेता हूँ। तो इरेज करने के बाद दोस्तों इसमें आपको राइट में क्लिक करना है और
और इसको जो है हम इसको स्मूथ थोड़ा सा कर देते हैं। उसके बाद इसमें हमको राइट क्लिक करना है, सेव इन पीएनजी पे क्लिक करना है और हाई रेजोल्यूशन पे क्लिक करना है। तो ये फ़ोटो जो है फ्रेंड आपके आपके जो गैलरी पे है दोस्तों सेव हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो हमने डाउनलोड किया था, वो एप्लीकेशन है दोस्तों पिक्सलैब। तो हम जो है पिक्सलैब को ओपन करेंगे। पिक्सलैब में ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने में होगा और हमको जो है अब इसका बैकग्राउंड सबसे पहले चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे टॉप में जो है थ्री डॉट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस थ्री डॉट को जो है फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है। मैं इस थ्री डॉट को क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखेगा इमेज साइज का। इस इमेज साइज को आपको फ्रेंड्स ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से प्रीसेट में जाके जो है आपको कौन सा साइज चाहिए, आप फेसबुक के लिए बना रहे हो, यूट्यूब के लिए बना रहे हो, ट्विटर के लिए बना रहे हो, प्रोफाइल पिक्चर के लिए बना रहे हो, तो जो भी थंबनेल आपको बनाना है वो आपको जो है सेट कर लेना। मैं यूट्यूब थंबनेल यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर विड्थ और हाइट जो है दोस्तों हम सेट कर देते हैं। तो इस तरीके का हमारा जो बैनर है वो सेट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है ये वाला, इसमें हमको जाना है। हम यहाँ का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको फ्रॉम गैलरी पे आपको क्लिक करना है और हमने जो बैकग्राउंड डाउनलोड किया था उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसको क्रॉप करके जो है ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो बैकग्राउंड है यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सेट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हमको नेक्स्ट ऑप्शन में हमको जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन है बीच वाला। यहाँ पर जाने के बाद हमने जो बॉटल को डाउनलोड किया था उस बॉटल को मैं डाउनलोड यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट के ऑप्शन में जाके जो है फ्रेंड्स हम इस बॉटल को जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सेट इसमें थोड़ा सा मैंने बराबर इसको क्रॉप नहीं किया हूँ, बैकग्राउंड थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन आप जो है फ्रेंड्स इत्मीनान से जो है जूम करके जो है इसको एकदम क्लियरली आपको ऑटो कट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हमको अब यहाँ पर हमको कुछ लिखना है। तो लिखने के लिए यहाँ पर आप ए का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ए का ऑप्शन है। इस ए के ऑप्शन को आपको जो है फ्रेंड्स क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक प्लस का साइन दिख रहा है टेक्स्ट का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एडिट का, तो एडिट में जाके जो है हम जो भी लिखना चाहते हैं उसको हम लिख लेते हैं। मैं एडिट में जाता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ और हिंदी के अल्फ़ाबेट को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे हिंदी में 600 मर्ज की एक ही दवा और वो है रेनाटस को हमने टाइप कर लिया फ्रेंड्स। उसके बाद जो है यहाँ पर हमको ओके में क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है और बहुत अच्छा स्लोगन यहाँ पर जो है हमारा बन चुका है। उसके बाद दोस्तों हम इसको इसका जो वो है कलर और जो इसका फॉन्ट है वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा आपको, इस फॉन्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो कोई भी एक फॉन्ट को जो है मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसमें अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर भी यहाँ से जो है फ्रेंड्स चेंज हो जाता है, जो भी कलर आप रखना चाहे। तो मैं येलो कलर यहाँ पर रख देता हूँ और हम देखेंगे यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर भी डालना है और इसका प्राइस भी डालना है। तो आप जो है इसको यहाँ पर जो है जो अभी जो सेलेक्ट है जो हमने टाइप किया वो सेलेक्ट है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से ए के ऑप्शन में हमको जाना है। यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ये टेक्स्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसमें फिर से हमको एडिट में जाना है। यहाँ पर हमको लिखना है MRP, तो यहाँ पर लिखना है MRP 1549। ठीक है फ्रेंड्स, ये MRP यहाँ पर सेट हो गया है, हमने MRP यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो आप मोबाइल नंबर भी जो है यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं,
मोबाइल, फिर से आपको टेक्स्ट में जाना है, फिर से यहाँ पर टेक्स्ट को ओपन करना है, एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और सामने लिख देता हूँ संपर्क। संपर्क लिख देते हैं, संपर्क आ गया यहाँ पर। संपर्क लिखने के बाद हम इसको ओके कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर आपका आ गया। इसका कलर हम जो है चेंज कर देते हैं, कलर हम कर देते हैं इसका रेड, रेड कलर हम इसका कर देते हैं। और इसके फॉन्ट को भी जो है दोस्तों हम चेंज कर सकते हैं, इसके भी फॉन्ट को हम लोग चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड में जो है दिखने को होना। तो देखिए इस तरीके से आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ गया है। उसके बाद दोस्तों चाहे तो आप अपनी फ़ोटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। फ़ोटो के लिए आपको फिर से जो है हमारा जो एप्लीकेशन है ऑटो फोटो कट पेस्ट, यहाँ पर जाके जो है आप अपनी फ़ोटो को जो है बहुत अच्छे से आप क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद मैंने ऑलरेडी मेरा जो फ़ोटो है उसको मैंने क्रॉप करके रखा है, तो मैं फिर से जाऊँगा यहाँ पर सेंटर के ऑप्शन में यहाँ पर, और यहाँ से फिर से इंपोर्ट करूँगा अपनी एक बहुत ही शानदार, मैंने क्रॉप करके रखा हूँ अपनी फ़ोटो को। तो मैं फिर अपनी फ़ोटो को जो है लेकर आ जाता हूँ। तो मैंने फ्रेंड्स ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा जो फ़ोटो है वो आ चुका है, और मैं यहाँ पर अपनी फ़ोटो को जो है सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा साइज ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ये हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा सरका लेता हूँ और नंबर को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना ज़बरदस्त बैनर जो है हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब इसको जो है हम सेव कर लेते, आप अपने अपने क्रिएशन से जो है इस बैनर को और अच्छा बना सकते हैं। आपको अपने तरफ से भी जो है अपने दिमाग में क्रिएशन करना है, तो आप मेरे से भी अच्छी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर फ़ोटो को जो है बैनर को जो है फ्रेंड्स बना सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है दोस्तों, इसको फ़ोटो को हम सेव कर ले, डिस्क का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस डिस्क के ऑप्शन में जो है दोस्तों आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज। तो सेव एज इमेज में जो है आपको क्लिक करना है, और आप कहाँ पर आपको सेव करना है, तो सेव टू गैलरी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जाके जो है दोस्तों आप अपनी इमेज को जो है दोस्तों सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि मेरे गैलरी में जो है दोस्तों वो आ चुका है। मैं गैलरी में जाके आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने अभी हमने जो बैनर बनाया है वो जो है यहाँ पर आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है बैनर हमारा बन चुका है, और कितना ज़बरदस्त बैनर बना है। तो आप भी जो है अपना खुद का फ़ोटो और नंबर के साथ में जो है इस बैनर को जो है फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और आपने सीखा कि किस तरीके से हम बैनर बना सकते हैं। और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए लेकर आऊँगा, जिससे आप अपने बिजनेस को जो है दोस्तों बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। और दोस्तों आपका सपोर्ट जितना ज़्यादा मुझे मिलेगा उतनी एफर्ट मैं लगाऊंगा वीडियो को बनाने के लिए, और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक लेकर आऊंगा। तो थोड़ा सा मेरे चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ शेयर भी करिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है दोस्तों बेल आइकॉन की बटन को भी दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए रॉकिंग रेनेटस, रॉकेट रेनेटस, गुड बाय।